Hey guys, this is Sarthak from Modex Tech. So guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे हार्ड ड्राइव के अंदर पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास एक हार्ड ड्राइव है जो कि 1 TB की है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लेके चल रहा हूँ, और आप उसके अंदर यार पार्टीशंस को क्रिएट करना चाहते हो। जैसे कि एक 250 GB का पार्टीशन बना लिया, एक लोकल डिस्क जिसे हम कहते हैं एक लोकल डिस्क ई बना ली हमने 250 GB की, एक 750 GB की हमने दूसरी लोकल डिस्क बना ली। तो मतलब आप अपनी तरफ से कुछ भी चूज कर सकते हो, 500 GB के दो पार्टीशन बना लो। तो अपनी तरह से अगर आपको पार्टीशन यार क्रिएट करने अपनी हार्ड ड्राइव के लिए या फिर अपनी एसएसडी के लिए, तो ये हम यार कैसे करते हैं, यही चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस वीडियो का अब हम शुरू करते हैं। सो गाइस, यार मेरे चैनल के ऊपर ऐसे पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है, तो अगर आप लोग अब इंटरेस्ट है ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर, तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दबाओ उस बेल आइकन को भी, ताकि फ्यूचर में जो भी नई वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो अब हम बढ़ते वीडियो में आगे और बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में। तो देखो भाई, आप लोगों को यह सिखाने के लिए कि यार डिस्क हम पार्टीशंस कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को लेके चलूंगा अपने पीसी के ऊपर। तो फटाफट से चलते हैं यार मेरे पीसी के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हो मैं आ चुका हूं अपने पीसी के ऊपर, और यहां पर मैंने दिस पीसी को ओपन कर रखा है, यानी जिसे हम माय कंप्यूटर भी कहते हैं। तो मैंने इसको ओपन कर रखा है और मैंने एक 1 TB की हार्ड ड्राइव अपने सिस्टम के अंदर ऑलरेडी लगा दी है, बट जैसे कि देख सकते हो वो यहां पर शो नहीं हो रही है। यहां पर सिर्फ एक 240 GB की SSD शो हो रही है, और यहाँ पर जो है एक 1 TB की हार्ड ड्राइव शो होनी चाहिए थी जो कि मैंने अपने सिस्टम के अंदर लगा दी है, बट वो शो नहीं हो रही है। तो ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम उसको कैसे एलोकेट करते हैं उसकी स्पेस को, यानी कि वो मतलब कैसे हम उसको यूज़ के अंदर लेके आए जब वो यहाँ पर शो नहीं होती है। और उस जो हार्ड ड्राइव होगी 1 TB की, उसके अंदर अगर हमें पार्टीशंस क्रिएट करने हैं तो हम पार्टीशंस भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली हमें इसको बंद करना है, और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो दिस पीसी आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली हमारा वही माई कंप्यूटर जो हम होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जो है मैनेज देखेगा थर्ड ऑप्शन, तो आपको मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैनेज के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का एक मतलब खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर डिस्क मैनेजमेंट शो होगा, तो आपको डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ एक 240 GB की SSD शो हो रही है, और थोड़ा सा अगर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा डिस्क 1 931 GB की, तो यानी ये वही 1 TB की हार्ड ड्राइव है। और इसके नीचे अनएलोकेटेड लिखा रहा है, अनएलोकेटेड इसलिए लिखा रहा है क्योंकि इसकी स्पेस को अभी हमने एलोकेट नहीं करा है। अगर हम स्पेस को एलोकेट नहीं करते हैं तो हम उस डिस्क को यूज़ नहीं कर पाते, यानी कि उतनी स्पेस को हम यूज़ नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हमें इसे एलोकेट करना पड़ेगा, तो एलोकेट करने के बाद हम इसके अंदर पार्टीशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा प्रोसेसर यार अच्छी तरीके समझा देता हूं। तो ये जो डिस्क वन है इसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है, तो यहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा न्यू सिंपल वॉल्यूम का, तो आपको न्यू सिंपल वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक विजार्ड खुल के आ जाएगा, तो यहां पर आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का खुल के आ जाएगा। तो यहां पर आप जैसे कि देख सकते हो कि 9,53,867 MB तक की हम मैक्सिमम डिस्क बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को 500 GB की क्रिएट करनी है, बाकी जितनी भी स्पेस बनेगी उसकी मेरे को एक अलग ड्राइव बनानी है, तो बेसिकली हमको यहां पर जो है जो इसके नीचे ही वैल्यू लिखी आ रही है, इसमें हम लोगों को 500 GB पुट करना होगा। लेकिन वो हमें पुट करना है किसके अंदर, MB के अंदर। जैसे कि हम लोगों को पता है कि 1 GB के अंदर होते हैं 1000 MB, प्रिसाइसली बताओ तो वैसे होते हैं 1024, बट हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि 1000 MB उसके अंदर होते हैं। तो अगर मैं 500 GB के अंदर कैलकुलेट करूं कितनी MB होती है, तो आप 500 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो ये आप लोगों का आ जाएगा 500,000, ठीक है। तो मैं यहां पर 500,000 लिख देता हूं, 500 और 1 2 3, ठीक है। तो ये आ गया 500,000, यानी कि 500,000 MB, ठीक है। तो 500,000 MB की हमें क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर अब क्लिक कर देता हूँ। और ये अब मेरे से पूछ रहा है कि मेरे को क्या इसके अंदर मतलब क्या असाइन करना है इसको लेटर, तो मैं जैसे यहाँ से ई लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को लोकल डिस्क ई क्रिएट करनी है, तो अब मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर डू नॉट फॉर्मेट दिस वॉल्यूम, आप इस चाहो तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बस आप यहाँ से सिंपली वैसे कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, सीधा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना और फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपकी एक लगभग 500 GB की एक क्रिएट हो जाएगी। और बाकी की आप स्पेस देखोगे कि अभी भी बची हुई 443 GB अनएलोकेट है। फिर से वही सिंपल आप लोगों को न्यू सिंपल वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट, बाकी जितनी बची हुई होगी वो यहीं पर ऑटोमेटिकली लिखी आ जाएगी। फिर आपको दोबारा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब मैं यहाँ से एफ सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे को एफ ड्राइव बनानी है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट और फिनिश। तो हमारी जो है दो दो लोकल डिस्क क्रिएट हो चुकी हैं। जैसे कि अब मैं दिस पीसी के ऊपर जाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे को दो ड्राइव यहाँ पर शो हो गई है। एक है 488 GB की और दूसरी है 443 GB की। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको एग्जैक्ट 500 GB की ड्राइव बनानी है तो भाई इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको 1024 से मल्टीप्लाई करना होगा 500 GB को, ठीक है। तब आपके पास जो MB निकल के आएगी आपको उस MB को उसके अंदर पुट करना होगा और तब आपकी जो ड्राइव क्रिएट होगी वो एग्जैक्ट 500 GB की क्रिएट होगी। तो बस यार अब हमारी ड्राइव यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है और अब हम इसके अंदर जो भी स्टोर करना चाहें वो हम स्टोर इसके अंदर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को पूरा प्रोसेसर यार अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को जरूर से यार लाइक कर देना। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।